हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे द लेजेंड ऑफ लॉलान डेड आर्मी मूवी की। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाते हैं जो कि लॉलान से थे। वो गॉड से मिला हुआ एक मिरर ढूंढ रहे थे क्योंकि उनकी सिटी में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। कुछ लोग उनका पीछा भी कर रहे थे। वो लोग उनसे भागने लगते हैं, जिसके बाद हमें कई हजार साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लोग उसी लॉलान सिटी के ऊपर खोज कर रहे होते हैं, जहाँ वू नाम का लड़का होता है उसे कुछ मिलता है जिसे वो अपने प्रोफेसर के पास लेकर आता है। तो जैक नाम का आदमी वो चीज प्रोफेसर के हाथ से छीन लेता है, लेकिन वू उसे वापस छीन लेता है और कहता है ये लॉलान का है, मतलब ये हमारा है। तो जैक हंसकर उन्हें बेवकूफ कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर की बेटी लूना और जाओ भी आ जाते हैं। उसके बाद में हमें बताया जाता है कि सन 1895 में स्वीडन के खोजकारों को लॉलान के खंडर मिले थे, तो वो लोग काफी चीजें यूरोप ले गए थे। तो काफी देशों ने लॉलान पर अपने पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन उनसे पहले चाइना ने वहां पर अपने पाव जमा लिए। तभी हमें जाओ को दिखाते हैं, वो एक चित्रलिपि का आखिरी टुकड़ा ढूंढ कर लाता है और साथ ही लूना के लिए एक रोज लाता है, जिसे देखकर वो खुश नहीं होता है। तभी वो लोग उस चित्रलिपि को पढ़ते हैं तो उन्हें पता लगता है कि अब से कई हजार साल पहले लॉलान की नदियां सूख गई थी। तब एक टीम को रेगिस्तान में गॉड को ढूंढने के लिए भेजा गया था। उस टीम को गॉड के टेम्पल में लॉलान की एक संत ले जाने वाली थी, मतलब वो लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और वो फ्लैशबैक दोबारा से शुरू हो जाता है जहां वो लोग डेड आर्मी से भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां उस लड़की के साथ का आखिरी इंसान भी घायल हो जाता है। वो इंसान उससे कहता है कि अगर तुम बच जाओ तो एक्स को एक सोने का सिक्का दे देना मेरी तरफ से। एक्स उसका दोस्त था जिससे उसने एक सोने का सिक्का उधार लिया था, और तभी वो भी वहीं मर जाता है। तभी वो लड़की वहां से चली जाती है। दरअसल में वो लोग किसी गड्ढे में नहीं गिरे थे, वो एक खंडर में थे। उसे उसके अंदर वही मिरर मिलता है जो कि बहुत चमक भी रहा था। उसे लगता है वो इसके थ्रू गॉड से बात कर सकती है, इसलिए वो अपनी परेशानियां बताने लगती है कि तभी वो मिरर टूट के गिर जाता है। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां वू और लूना एक ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं। तो वू लूना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे पानी लाकर दो। तो वू पानी लेने चला जाता है जहां वो एक सपना देखता है जिसमें प्रोफेसर वू और लूना को उस मिरर को लेकर वहां से भेज रहे थे। वो चाहते थे इसे कहीं महफूज जगह पर रख दिया जाए जिससे जैक इसे हासिल ना कर सके। ये वैसा ही मिरर था जो हमें उस लड़की के पास में दिखाया गया था, लेकिन ये बिल्कुल साबुत मिरर था, ये टूटा हुआ नहीं था। तो लूना अपने डैड से कहती है आप जाओ को क्यों नहीं भेज रहे हो। तो प्रोफेसर कहते हैं वो बहुत अच्छा खोजकार है, वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, वो यहीं रहकर खोज करता रहेगा जिससे उसे इस साल का बेस्ट रिसर्चर अवार्ड मिल जाए। इसके बाद उसका सपना खत्म हो जाता है। तो हम देखते हैं कि दूर से जैक उस ट्रेन को देख रहा होता है। इसके बाद में हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां वू और लूना पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया होता है। वू उनसे मिरर बचाकर किसी तरह से वहां से भागता है और एक डिब्बे में पहुंच जाता है जहां बहुत सारे सोल्जर थे। वो लोग उन लोगों को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं जो वू से मिरर छीन रहे थे। तभी लूना उस बैग को खोलती है जिसमें मिरर था। वो देखती है मिरर टूट गया होता है। जब ये बात प्रोफेसर को पता लगती है तो वो सारे के सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और इसका दोष सिर्फ वू को देते हैं। लूना भी उससे बात नहीं करती है। तो वू उससे जोड़ने का कोई तरीका ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी तरीका नहीं मिलता है, तो वो वहीं सो जाता है। इसके बाद हमें फिर से उसी लड़की को दिखाते हैं। वो वहां बैठी हुई रो रही होती है और कह रही होती है कि गॉड आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई होती हैं। उसको लग रहा होता है कि अब वो सब लोग मर जाएंगे कि अचानक से उसके मिरर जादुई तरीके से टूटने लगता है। इधर वू के पास वाला मिरर में भी वैसा ही हो रहा होता है। तभी एकदम से उसमें एक धमाका होता है जिससे वो गिर जाता है। उसके बाद उसे किसी की आवाज आ रही होती है जो कि कह रही होती है गॉड। वो डर जाता है। तभी उसे पता लगता है कि आवाज मिरर के अंदर से आ रही है। इधर उस लड़की को लग रहा होता है कि वो मिरर के थ्रू गॉड से बात कर रही है, और वो उसके पीछे बनी हुई चित्रलिपि से पहचान लेता है कि वो लॉलान राज्य से है। वो कुछ पुरानी रिसर्च देखता है जिससे उसे पता लगता है उस टाइम हेवन के कुछ लोगों ने ये मिरर लॉलान को दिया था। वो एक जहाज से वहाँ आए थे। दरअसल में उस टाइम पे वो लोग उन्हें एंजल कहते थे, लेकिन वू के टाइम में वो जान चुके थे कि वो एलियन थे। लॉलान जिन्हें गॉड मानता था वो असल में एलियन थे, और वो लड़की तो वू को ही गॉड समझ रही थी। वो अपना नाम यमन बताती है और उसे अपने राज्य की एक मोहर देती है। दरअसल में वो मिरर अपने पास्ट वाली फॉर्म को अपने प्रेजेंट की फॉर्म से जोड़ता था जिससे वो यमन से बात कर पा रहा था और उसे कुछ भी
ले भी सकता था और उसे कुछ भी दे भी सकता था। तभी वो देखता है कि यमन को चक्कर आ रहे हैं, तो वो उसे पूछता है क्या हुआ। वो बताती है उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, तो वो उसे ब्रेड ला कर देता है जो कि उसे काफी पसंद आती है क्योंकि उसके लिए एक नई चीज थी। तभी यमन वू से कहती है कि आप हमें बचा तो लेंगे, तो उस पे वू का दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो वो एक एक करके उससे लौलान की सारी चीजें पूछ लेता है और उन सारी चीजों को खोज कर बहुत ही जल्दी अचानक से एक बहुत ही अच्छा खोजकार बन जाता है। सब लोग हैरानी में होते हैं, उनके समझ में ये नहीं आ रहा होता है कि उसे ये सारी चीजें कैसे पता लग रही हैं। तभी उसे उस साल का बेस्ट रिसर्चर अवार्ड भी मिलता है। तो जैक और बाकी लोगों को उस पे शक हो जाता है। इसके बाद में वो वही मिरर के पास आता है और यमन से कहता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन उसे यमन काफी परेशान लग रही होती है। तो वो उससे पूछता है तुम क्यों परेशान हो, तो वो बताती है वो अपने शहर को लेके परेशान है क्योंकि उसके शहर में वॉर चल रही है। राजा का छोटा भाई जो कि एक लालची इंसान था और उनकी राजगद्दी पाना चाहता था, उसने अपने भाई से राजगद्दी छीनने की कोशिश भी की थी लेकिन वो नहीं छीन पाया था, तो इसलिए उसे राज्य से निकाल दिया था। उसके बाद में वो एक जादूगर की मदद से एक डेड आर्मी को लेकर आया और शहर में उसने तबाही मचा दी और राजगद्दी छीनने की कोशिश की। उसने उनके पवित्र कप को भी तोड़ दिया। तब शहर में काफी तूफान आए और सारा पानी खत्म हो गया, जिसके बाद वो कहती है कि क्या आप हमें उस कप को ना बचा पाने का पनिशमेंट दे रहे हैं। साथ ही वो पूछती है कि आप हमें बचाएंगे, तो वो कहता है कि कप तुम्हारे शहर के वाटर लेवल को बनाकर रखा था। तभी यमन बताती है कि राजा ने मरते टाइम हम लोगों को ये मिरर ढूंढने भेजा था और कहा था कि एक भविष्यवाणी है कि उस मिरर के थ्रू गॉड हमारी मदद करेंगे। तो वो कहता है हमें उन एलियंस का शिप ढूंढना होगा, वहां से तुम्हें मदद मिल सकती है। वो देखता है कि यमन की तबीयत खराब होती है, तो वो उसे कुछ टैबलेट खिलाता है और उसे एक कोट देता है जिससे उसे ठंड ना लगे। ये सारी चीजें लूना देख लेती है। इसके बाद में हमें जैक को दिखाते हैं, उसके पास में जाओ होता है। उसने जैक से हाथ मिला लिया था क्योंकि वो उसे बहुत जल रहा था। जैक के आदमी लूना को उठा ले आते हैं, तो जाओ उससे कहता है इसे क्यों ले आए, तो वो बताता है ये जानती है कि वू का क्या राज है। जैक जाओ को एक चित्र लिपि भी दिखाता है जो कि लौलान की थी। उन लोगों को उससे एलियन के शिप के बारे में पता चलता है। उस चित्र लिपि में उस शिप की जगह उसे मकबरा या फिर शिप बोला गया होता है। उन्हें उसकी लोकेशन भी उसी चित्र लिपि के थ्रू मिल जाती है। तभी हमें वू को दिखाते हैं, वो रात में सो जाता है। जब अगले दिन वो उठा है तो जैक वही आदमी जिन्होंने उस पे ट्रेन में हमला किया था वो फिर से वू पर हमला कर देते हैं और मिरर को छीनने की कोशिश करते हैं। तो वू मिरर लेकर वहां से भागने लगता है और यमन से कहता है तुम कुछ मत बोलना। वो वहां से मिरर को लेकर भाग ही रहा होता है लेकिन जैक के लोग उसे पकड़ लेते हैं। इधर यमन के पास में राजा का भाई तूकी के लोग भी आ गए होते हैं, उसे पकड़कर तूकी के पास ले जाते हैं। तभी उन दोनों के मिरर का पोर्टल बंद हो जाता है। तूकी यमन के साथ एंजल के मकबरे की ओर चल देता है। वो अब एंजल्स पे भी राज करना चाहता था, उसे वहां की लोकेशन पता थी। और इधर जैक भी वू को वहीं लेकर जा रहा होता है। जैक वहां जाकर मिरर के थ्रू डेड आर्मी को वापस लाना चाहता था और दुनिया पे राज करना चाहता था। यमन को जो सिपाही पकड़कर ले जा रहे होते हैं उनमें से एक सिपाही यमन से कहता है कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, तख्त पलट होने की वजह से हमें मजबूरी में तुर्की की सेना में भर्ती होना पड़ा, नहीं तो हम सारे लोग मारे जाते, इसीलिए हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। तो वो कहती है कि मैं अपने एक साथी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। वो अपने दोस्त एक्स को एक कॉइन लौटाना चाहता था, तो वो सिपाही कहता है कि मैं ही एक्स हूँ। इसके बाद में वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उस टाइम पर वू और जैक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी उन्हें मिरर में कुछ होता हुआ नजर आता है जिससे वो दोनों टाइम के लोग जमीन में धंस जाते हैं और एलियन के शिप में पहुँच जाते हैं, जहाँ यमन और वू अपने अपने टाइम में वहाँ के सेंटर पे चढ़कर वो मिरर लगाते हैं। वहाँ की टेक्नोलॉजी काफी खतरनाक होती है। दोनों के ही टाइम में कॉइन ऊपर हवा में आ जाता है और उन दोनों के टाइम में उनके मिरर पर उस कॉइन को फिक्स करने की जगह थी, तो वो दोनों उस मिरर को उस कॉइन पे लगा देते हैं जिससे उन दोनों का टाइम आपस में जुड़ जाता है और एक पोर्टल खुल जाता है। यमन और वू दोनों एक दूसरे से बात कर पाते हैं। वहाँ वू यमन से कहता है अब तुम्हारे यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा, तुम वापस चली जाना, ये सारी चीजें एक लकड़ी पर लिख देना। तभी यमन वहाँ से हट जाती है और जैक वू के हाथ पे शूट कर देता है। उसके बाद में वहाँ तुकी और उसके लोग भी आ जाते हैं। यमन वहाँ से एक्स के साथ में निकल जाती है, लूलान सिटी के लिए चली जाती है और वू को लूना उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी तुकी कहता है ये हमारे गॉड हैं। फिर वो उनमें से एक आदमी को अपने भाले से मार देता है, जिसके बाद में उनमें फाइट
फाइट होने लगती है और वो सारे लोग वहीं एक दूसरे से लड़ते हुए मर जाते हैं, जिससे लौलान सिटी भी फ्री हो जाती है। इसके बाद में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां वो अब बहुत बूढ़ा होता है और वो लौलान की नदी के पास में आया होता है और वो बहुत ही मशहूर भी होता है। दरअसल में उसे पता लगता है कि लौलान की नदी में कुछ लकड़ी मिली है जिसमें कुछ चित्रलिपि बनी हुई है, जिसे देखकर वो समझ जाता है ये यमन ने बनाई होंगी, मतलब वो उस दिन बच गई थी। वो चित्रलिपि उसी किस्से के बारे में थी जो उन लोगों के साथ में हुआ था। वो अपने शहर वापस लौट गई थी और उसने वो चित्रलिपि बनाई। इससे उसे भरोसा हो जाता है कि यमन और यमन का शहर बच गया था और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।